फ्रेंड्स, तो मैं आज साड़ी ड्रेपिंग इजी और क्विक वे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ब्लाउज और साड़ी शेवियर पहन ली हूँ, और ये आज मैं जो पहनने वाली हूँ साड़ी, वो कंट्रास्ट में है बिल्कुल। तो इसको मैं अलग तरीके से भी बताऊँगी आप लोगों को। फ़िलहाल मैं यहाँ पर साड़ी ड्रेपिंग कर रही हूँ। आप किस तरीके से साड़ी ईजी और क्विक वे में वेयर कर सकते हो, साड़ी की प्लेट बना सकते हो, तो बस यहाँ पे साड़ी की हम बेसिक टकिंग कंप्लीट करेंगे। और साड़ी हम सभी को आता है पहनने, बट मॉडर्न वे में छोटी छोटी ट्रिक को अगर आप ध्यान में रखते हो ना, तो बहुत अच्छे और बहुत मॉडर्न वे में, बिल्कुल सेलिब्रिटी स्टाइल में आप साड़ी वेयर कर सकते हो। तो साड़ी पहनना हर किसी को आता है, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप नोटिस करते हो ना, तो अपने साड़ी लुक को और भी ज़्यादा मॉडर्न स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। तो वही मैं अपने वीडियोस में दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो बताने की। तो बस यहाँ पे साड़ी की बेसिक टकिंग कंप्लीट करने के बाद पल्लू मेज़र कर ली हूँ। पल्लू आपको नी लेंथ रखना है, और इस लुक में मैं आपको ओपन पल्लू और पल्लू फोल्ड करके दोनों तरीके से दिखाऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर मैं साड़ी को पल्लू मेज़र करने के बाद साइड में कमर के साइड का साइड में जो कपड़ा क्लीन आता है ना लुक, उस लुक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन से पिनअप कर दिया, पतले पतले दो तीन प्लेट बना के। और इसके बाद अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, जो हमारा कंटेंट है आज का, इजी और क्विक वे में हम साड़ी का प्लेट कैसे बनाएंगे। तो सबसे इजी वे है, आप अपने बेली बटन जो है आपका, वहाँ से चार अंगुल एक्स्ट्रा रखिए अपना हाथ, जैसे मैं मेज़र कर रही हूँ इस तरीके से बिल्कुल आपको मेज़र कर लेना है साड़ी का प्लेट, और वहाँ से आपको प्लेट बनाना है। एक और चीज़ मैं बताऊँगी, अगर आप चौड़ा प्लेट बनाते हो, तो अगर आपकी साड़ी की लेंथ छोटी है, तो आप कोशिश करो थोड़े छोटे प्लेट बनाने की, जैसा कि मैं बना रही हूँ, क्योंकि इस साड़ी में प्लेट काफ़ी कम बनेगा अगर मैं थोड़ा मीडियम बनाऊँगी, तो इसलिए मैं थोड़ी छोटी प्लेट बनाई हूँ। इससे थोड़ा सा मतलब अच्छा प्लेट बन जाएगा, जिससे आपके साड़ी का लुक बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा। और मेन यही सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, जिनको आप यूज करके एक परफेक्ट वे में साड़ी पहन सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं छोटी प्लेट बनाई हूँ, तो अच्छा खासा मेरा 6-7 प्लेट बन गया है। अगर मैं यही मीडियम प्लेट बनाती तो फिर इतना नहीं बन पाता। तो आप कितनी भी अच्छे से साड़ी ड्रेप करो, अगर आपका प्लेट अच्छा मतलब प्लेट ज़्यादा नहीं रहता है ना, तो साड़ी का लुक प्यारा नहीं आता है। तो अगर आपको एकदम मॉडर्न वे में अट्रैक्टिव दिखना है साड़ी में, तो इस तरीके से आप प्लेट बनाएंगे, तो बहुत ही इजी और क्विक वे में बना लेंगे, क्विक वे में, और लुक भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न आएगा, बिल्कुल सेलिब्रिटी स्टाइल में। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से साड़ी को ड्रेप करूँ। और बस यहाँ पे प्लेट हमारी बातों ही बातों में बन चुकी है, और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से कमर के साइड में टक कर लेंगे, और फिर एक सेफ्टी पिन से पिनअप कर देंगे। आप और देख सकते हो साइड का लुक कितना ज़्यादा क्लीन आ रहा है। फिर हम कमर की जो प्लेट टक किए हैं उनको अच्छे से अरेंज करेंगे, और देख लेंगे कहीं से भी ऊंचा नीचा तो नहीं है। उसके बाद सारे प्लेट को फिर से हम एक बार चेक करेंगे, और चेक करने के बाद सारे प्लेट को इक्वली सेट करेंगे, और फिर एक सेफ्टी पिन से पिनअप कर लेंगे। सेफ्टी पिन आप चाहो तो बाहर से भी लगा सकते हो, चाहो तो आप पेटीकोट के अंदर से भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे बाहर से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एक तो चुभने की टेंशन नहीं, और इजीली मैं लगा लेती हूँ, मुझे वही लुक पसंद है, वैसे ही पसंद है। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लगा सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड है। अब बारी आती है शोल्डर की प्लेट की, तो यहाँ मैं ओपन पल्लू फर्स्ट लुक में रखूँगी। तो बस ओपन पल्लू के लिए, टाइट फिटिंग साड़ी पहनने के लिए ना, इस तरीके से आपको पल्लू को खींचना होता है। और यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई ना, कि इस तरीके से जब मैं खींच के ब्लाउज में लगाई, तो मैं मेरा ये जो ब्लाउज है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। आप जितना मोटे हो पतले हो आपको हो जाएगा, और ये ना जितना चाहोगे उतना खींचेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो, पीछे से मैं जब पिनअप की तो मेरा ब्लाउज थोड़ा सा फोल्ड हो गया था, तो वो मैं ध्यान नहीं दी, तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शूट करने के बाद जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मेरा नज़र गया है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अब हम शोल्डर को बहुत ज़्यादा परफेक्ट लुक दिखाने के लिए, अपने साड़ी का होल लुक परफेक्ट दिखाने के लिए, यहाँ पे 3 से 4 मैं प्लेट्स बनाऊँगी, जैसा कि आप देख रहे हो शोल्डर की प्लेट पे, जो मैं मेरे हाथ पे है ओपन पल्लू में। तो इस ट्रिक से अगर आप ट्राई करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वे में, मॉडर्न वे में आप साड़ी पहन लेते हो। तो बस यहाँ पे प्लेट को मैं सेफ्टी पिन से पिनअप करने के बाद अपने ब्लाउज में सिंपली पिनअप कर ली हूँ। इससे आप चाहे जितना भी घूमो फिरो, कुछ भी करो ना, आपकी साड़ी ख़राब नहीं होगी, जैसी की जैसी रहेगी वैसी ही रहेगी। तो बस ये हम मतलब ये मेरा एक प्रोफेशनल साड़ी लुक हो गया। तो बस अब मैं ज्वेलरी पहनने जा रही हूँ, तो ये झुमकी वाले ज्वेलरी मैं वेयर कर रही हूँ इसके साथ, बहुत ही लाइट सा लुक रखी हूँ। और मैंने इस साड़ी में एक मिस्टेक किया,
वो पता है क्या, स्लीपर पहनते टाइम मैं याद आया, स्लीपर मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जबकि मैं काफ़ी टाइम से स्लीपर नहीं पहनती हूँ साड़ी के साथ, तो इसलिए आदत छूट गई थी। तो मैं लास्ट में पहनी तो मेरी साड़ी थोड़ी सी ऊंची हो गई, फिर मैंने प्लेट को यहाँ पे आप देख सकते हो अरेंज की, थोड़ा सा लूज की अपने कमर की प्लेट को, और फिर पिनअप कर ली, और एक वॉच पहन ली, और एक बैंगल और इयररिंग, बिंदी, लिपस्टिक। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आज का लुक है, और साड़ी एक्सप्रेशन, साड़ी स्टाइलिंग, साड़ी ड्रेपिंग, ये तीनों मैं इस वीडियो में दिखाई हूँ, साड़ी ड्रेपिंग प्लस स्टाइलिंग प्लस एक्सप्रेशन। तो आप लोग बताना, और लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने पल्लू को थोड़ा सा फोल्ड करके भी स्टाइल करके दिखाई हूँ, तो आप लोगों को होल लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड इस वीडियो में थोड़ी बहुत लाइटिंग इशू आपको ज़्यादा कम मिलेगी, तो प्लीज़ उसे मैनेज कर लेना, और वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग सी वीडियोस देखने के लिए, हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए। तो बस ये पूरा वीडियो नेचुरल लाइट में, स्टार्टिंग के कुछ जो है ड्रेपिंग वो लाइटिंग में है, इस वजह से यहाँ पर लाइटिंग इशू हो गई है इस ब्लॉग में।
इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज का साड़ी ड्रेपिंग प्लस स्टाइलिंग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है बैकग्राउंड में नॉइज़ मिल रहा है बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।